मध्य प्रदेश में सपा ने शिवराज सरकार के मंत्री और बालाघाट से विधायक गौरी शंकर बिसेन पर आचार संहिता लागू होने के बाद महिलाओं को कमल के फूल के प्रिंट वाली साड़ी बांटने का आरोप लगाया है। सपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को इस मामले के चुनाव आयोग को शिकायत की। सपा के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और प्रवक्ता डॉक्टर सुनीलम सहित पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के चुनाव आयोग कार्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल काताराव से बीजेपी की शिकायत की है। सपा नेताओं का दल अपने साथ एक साड़ी भी लाए थे जिस पर कमल के फूल के प्रिंट बने हुए थे। सपा नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में 6 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी 8 अक्टूबर को वोटरों को लुभाने के लिए महिलाओं को कमल के फूल छपी साड़ियां बांटी जा रही हैं। सपा की दी गई शिकायत में कहा गया है कि बिसेन ने 8 अक्टूबर को बालाघाट में हाईस्कूल मैदान लाल बर्रा में आयोजित कार्यक्रम में बिना अनुमति के रैली निकाली, जिसमें 20 से अधिक बसें, 50 से अधिक छोटी गाड़ियां और 500 मोटरसाइकिल्स के जरिए 3000 से अधिक महिलाओं को कार्यक्रम में लाया गया। सपा के द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल काताराव ने कहा कि इस शिकायत की पूरी जांच होगी, इस संबंध में बालाघाट जिले के संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। सपा नेताओं द्वारा की गई शिकायत पर बीजेपी ने इन आरोपों को गलत बताया। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि जिस पार्टी का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है वो झूठे आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरने में लगी है। बीजेपी ने बिसेन के ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया।